तो भाई लोग, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी रिवेंज ड्रामा मूवी की जो कि आप लोगों ने शायद देखा होगा, शायद नहीं भी देखा होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका रीजन ये होगा कि भाई उस वक्त ये इंग्लिश में रिलीज हुई थी, लेकिन अब ये आपको हिंदी में देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ द नॉर्थ मैन मूवी की, जिसकी ओवरऑल है 2 आवर 30 मिनट की है। और अगर आप लोग उन ऑडियंस में से एक हो जिनको वाइकिंग्स शो बहुत ज्यादा पसंद आया था, या तो फिर आपको वाइकिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, उन पर बनाए गए शोज मूवीज पसंद है, तो भाई ये मस्ट वॉच है। क्योंकि गाड़ी फोकस करती है प्रिंस एमिट पे, जो कि बच्चा है, मगर ये किंग बनने ही वाला होता। तब प्रिंस एमिट के फादर का हो जाता है बहुत ही ब्रूटली तरीके से मर्डर, और मर्डर करने वाला होता है प्रिंस एमिट का ही चाचा। अब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे प्रिंस से अपने फादर का बदला लेता है, कैसे अपनी माँ को अपने चाचा से बचाता है, और कैसे वो चुड़ैल प्रिंस को अपने मकसद के बारे में याद दिलाती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर मूवी। देखो यार, आपने रिवेंज ड्रामा पर तो बहुत सारी मूवी देखी होगी, लेकिन ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको प्रिडिक्टेबल लगती है, बट प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद भी इतनी मूवी को जिस तरह से प्रेजेंट किया ना, वो आपको एज द सीट रखता है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, जो कलर से खेला है, जो VFX डाले हैं, आपको पूरी तरह से हेलुसिनेट कर देती है। मूवी में जो वाइकिंग्स बताए, उनकी जिंदगी का यही मकसद है कि भाई उनको बीमार होकर नहीं मरना है, वो लोग मरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जंग में, क्योंकि जंग में मरने के बाद उनको वैलहला यानी कि जन्नत नसीब होगी। इस मूवी में वाइकिंग्स को बहुत ही ब्रूटल बताया, उनकी जिंदगी का मकसद है लूटपाट, रेप करना, या तो फिर लोगों को अपना गुलाम बनाना। लेकिन इन सारी चीज़ों को ग्लोरीफाई करके भी नहीं बताया, ना ही ऐसा है कि कहीं पर आपको ऐसा लगे कि अरे लोग फोर्सफुली हमें चीज़ें बता रहे, पर चीज़ों को काफ़ी हद तक नेचुरल रखा है और ऐसा बताया जैसे आपको फील होता है कि हम लोग वाइकिंग्स के साथ उस वक्त मौजूद है। मूवी में जो मेन कैरेक्टर है प्रिंस एमिट को, उसको इस तरह से लिखा है जो आपको फील आए कि भाई ये बंदे को घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इसकी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इसने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा अपने चाचा के हाथों, इसकी माँ को किडनैप किया इसके चाचा ने। एक सीन है जहाँ पर इसके सामने ही विलेज में बच्चों को जिंदा जलाया जाता है, ये उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बचाता, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऑडियंस को ये बताया कि भाई प्रिंस एमिट की ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि उसको अपने बाप का बदला लेना है, उसको अपनी माँ को बचाना है। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने बेगुनाह लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, उल्टा वो खुद लोगों को लूटता है, लोगों के साथ वो सारी चीज़ें करता जो दूसरे वाइकिंग्स करते थे। ठीक है, डायरेक्शन टॉप नॉच है, उसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, BGM बहुत अच्छा है, और कहीं से भी मूवी आपको सांस लेने का मौका नहीं देती। मूवी में जो वाइकिंग्स के एरा को बताया है, जो उनके कॉस्ट्यूम्स है, जो वो स्वॉर्ड है, जो मैजिकल वे में आपके सामने चीज़ों को प्रेजेंट किया, भाई मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, जिसको आप लोगों ने एज अ टार्जन देखा होगा कई साल पहले, तो वो यहाँ पर प्रिंस एमिट का रोल प्ले कर रहा है, और यकीन मानो उसने अपने रोल में जान डाली है। जो वे ही है परफॉर्म, मज़ा आता देखकर, एक्शन सीन्स को बहुत अच्छी तरह से उसने यहाँ पर प्रेजेंट किया आपके सामने। और यहाँ पर एक्शन की बात हुई तो मैं बता दूं कि जो आपको खून खराब है, जो ब्रूटैलिटी आप लोग वाइकिंग्स जैसे शो में एक्सपेक्ट करते हो, वो चीज़ आपको इस पर्टिकुलर मूवी में देखने को मिलेगी, अलग ही लेवल की एक्शन सीन्स है। और यकीन मानो उस वक्त आपको घूसबम्प्स होते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि यार हम भी वहाँ पर प्रेजेंट है। पैरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूँगा, वायलेंस से कुछ अश्लील सीन्स भी है, तो ये आप लोग अकेले बैठ के देखना। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 8/10। तो यार बस, इस वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी बाय।